ये देखिए ये क्या बना है, ये देखिए शशिकांता की रसोई में। आइए चलते हैं, देखते हैं क्रिस्पी क्रिस्पी चाय के साथ ये कौन से स्नैक्स बने हुए हैं। आइए इसका मेथड देखते हैं शशिकांता की रसोई में। नमस्कार, शशिकांता की रसोई में आपका स्वागत है। देखिए आज मैं क्या लेके आई हूँ, ये देखिए आज मैं क्रिस्पी क्रिस्पी नाश्ता बनाऊँगी, जो टी टाइम स्नैक्स बनाऊँगी जो सबको बहुत ही पसंद आएगा। और देखिए मैं कैसे बनाती हूँ, तो मैं गेहूं के आटे से बनाऊँगी। तो मैंने ये गेहूं का आटा छान के ये ले लिया है, ये देखिए गेहूं का आटा मैंने 2 कप ये छान के लिया है। और इस 2 कप आटे के लिए अब इसमें ये मेथी डाल के बनाऊँगी मैं बहुत ही, क्योंकि इसमें मेथी बहुत आ रही है और मेथी बहुत ही अच्छी हेल्दी भी होती है, ग्रीन है। तो मैंने ये काट के धो के ये देखिए रखा हुआ है। अब मैं इसको पहले इसका पानी सुखाने के लिए मैंने इसको कढ़ाई में डाल दिया है, तो इसको थोड़ा सा पानी इसका सुखा देंगे जिससे कि ये हमारे आटे में मिल के ये कड़वी ना हो। तो इसको हमने इधर जब तक गैस पर रख दिया है, ये देखिए धीरे धीरे ये इसका पानी हम थोड़ा हाई फ्लेम पर रखेंगे तो ये सूख, इसका पानी सूख जाए, ये देखिए। और इधर मैंने जो 2 कप आटा लिया है इसमें देखिए मैं क्या क्या डालूँगी, ये देखिए ये अजवाइन क्रश करके लिए, लाल मिर्च कश्मीरी लाल मिर्च मैंने लिए, और इधर काली मिर्च ली है, और इधर ये देखिए हल्दी ली है थोड़ी सी, और नमक लिया है, और ये लिया है मैंने अजवाइन जो मैंने क्रश कर लिया, और कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और ये पेपर पाउडर थोड़ा सा, और मैं इसको इसमें मिक्स कर दूंगी। ये देखिए मैंने इसमें मिक्स कर दिया है, और अब मैं इसमें इसको पहले मिला लेती हूँ। ये देखिए इसको मैंने मिक्स करा है, क्योंकि अभी मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी क्योंकि इसमें मेथी डालनी है मुझे। और इसे क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर देखिए देसी घी लिया है, और ये मैं पहले थोड़ा देसी घी 2 बड़ा चम्मच डालूंगी, अगर कम लगेगा तो फिर और डालूंगी, तो मैं अभी 2 चम्मच डाल देती हूँ। और इसको मिलाती हूँ अच्छे से, मिला देती हूँ इसको, कम लगेगा तो इसमें फिर और मिलाऊंगी। और अभी तक मेथी हमारी ड्राई हो रही है, देखिए बिल्कुल तो कुछ करना नहीं है, मैंने कुछ ऑयल वेल कुछ नहीं डाला, बस थोड़ा सा इसको पानी इसका सुखा रही हूँ। ये देखिए बहुत ही टेस्टी बनेगी ये, और इसको महीने भर स्टोर भी कर सकते हैं। ये देखिए पानी इसका सूख गया है, अब इसको हम अपनी थाली में ट्रांसफर कर लेते हैं। ये देखिए इसमें मैंने 3 बड़ा चम्मच डाला है, और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। ये देखिए इस तरह से अगर ये मुट्ठी बंधने लगेगी इसका मतलब कि ये जो हमारा बॉन इसमें परफेक्ट है। तो ये देखिए, और इसी जगह आप मैदा भी ले सकते हैं, या आधा मैदा आधा गेहूँ भी ले सकते हैं, जो भी आपको मर्जी हो, गेहूँ का आटा या मैदा किसी से भी आप इसको बना सकते हैं। पर हेल्दी के लिए मैंने इसको आटा लिया हुआ, ये देखिए इसको छान भी लिया, आटे को ज़रूर छानिए। और अब इसमें हम अपनी मेथी को मिक्स कर देते हैं। ये देखिए इसमें मैंने मेथी जो मैंने भून के रखी थी, मतलब पानी सुखा के ड्राई करके, वो अपने डाल दिया। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका बहुत टाइट डो बनाना है, ज़्यादा पानी नहीं डालेगा एक साथ, नहीं तो बहुत गीला हो जाएगा ये, फिर बना नहीं पाएंगे हम। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका एक टाइट डो तैयार करते हैं। ये देखिए आटा बिल्कुल हो गया है, अच्छा सा डो तैयार, ये देखिए टाइट सा डो है, देखिए बिल्कुल, ये देखिए। और इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ढक के रख देते हैं इसको। ये देखिए ये मैंने आटा रख दिया है और 10-15 मिनट के लिए, और ये मैंने घी लिया 2 चम्मच, और इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाला हुआ है, और इसको मिक्स करके इसका एक स्लरी बनाती हूँ लगाने के लिए उसमें। ये देखिए ये बना लिया, ये देखिए इस तरह से ये एक स्लरी टाइप की बना देते हैं, कि अब मैं बताऊंगी मैं कैसे बनाती हूँ, तो देखती हूँ आटा हो गया कि नहीं। तो ये देखिए आटा हो चुका है बढ़िया सा, देखिए ये, चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं।
ये देखिए आटे को मैं निकाल लिया है और इसकी मैं इसमें से देखिए तीन छोटी छोटी लोई काट के रख लूँगी इसमें इस तरह से कि लोई काट के रख लेती हूँ। ये देखिए एक लोई से मैंने इतनी बड़ी ये रोटी बेल ली है, देखिए कितनी इतनी पतली रोटी बेली है। तो तीन लोई मैंने अभी रख रखी हैं, सो करूँगी फिर आपको दिखाती हूँ मैं क्या करती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको ऐसे बेल दिया पूरा। अब इसके अंदर जो मैंने स्लरी बनाई थी ये मैं पूरी इसमें ऐसे आप ब्रश से भी लगा सकते हैं, हाथ से भी लगा सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो वैसे लगा लीजिए। और चाय के साथ या वैसे स्टोर करके भी रख लीजिए तो भी आप इसको एक महीने तक आराम से खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। अब देखिए मैंने इसमें लगा दिया, अब इसमें मैं थोड़ी सी ये मैं जो हमारी आटा है ये हम स्प्रिंकल कर देंगे। अगर आप मैदे से बना रहे हैं तो मैदा भी डाल सकते हैं। अब क्या करूँगी कि इसको देखिए इस तरह से मैंने ये कर दिया और इसको ये इस तरह से कर दिया और इसके ऊपर फिर से लगा दिया इस पर, क्योंकि ये बहुत अच्छी लेयर वाली बनती है और बहुत ही क्रिस्पी रहेगी ये देखिए इस तरह से हम पूरा इस पर स्प्रेड कर देते हैं और इसके ऊपर भी थोड़ी सी मैदा लगाने से इसकी एक एक लेयर खुल जाती है। ये मैंने कर दिया इस पर। अब मैं इसको देखिए इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ और फिर इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ और इसको यहाँ से दबा दूँगी और इस पर थोड़ा सा बोर्ड पे थोड़ा सा इसमें मैं आटा डाल दिया। अब इसको थोड़ा ये थोड़ा आपको ना बेल पाए तो इसमें थोड़ा सा आटा लगा दीजिए, फिर इसको बेल देते हैं। देखिए इसे बेल दिया, ऐसे बेल लीजिए और फिर से मैं इसके ऊपर से वही जो मैंने स्लरी बनाई थी वो लगा दूंगी। देखिए इस तरह से मैं पूरा मैं अच्छे से लगा दीजिए जिससे कि अच्छी सी लेयर निकलेगी। ये देखिए मैंने लगा दिया, उसके ऊपर थोड़ी सी फिर से मैदा स्प्रिंकल कर देंगे। देखिए इसको इस तरह से कर देंगे, देखिए और इसके ऊपर भी थोड़ी सी लगा देंगे। देखिए ये इसके ऊपर भी इस पर मैंने लगा दिया ये, देखिए और फिर इसके ऊपर थोड़ी सी मैदा कर देंगे पिकल और इसको इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। देखिए को मैं थोड़ा इसको बेल लेती हूँ, इसी आपस में अच्छे से चिपक जाएंगे। तो इसको थोड़ा लंबा सा बेल लेती हूँ, देखिए इस तरह से, और इसको थोड़ा मोटा ही रखना है तभी अच्छी सी आएगी, बहुत पतला इसको नहीं करना है। ये देखिए ये हो गया मेरा। अब क्या करेंगे कि इस तरह से ये पीस काट लेंगे, देखिए इस तरह से, ये देखिए कितनी लेयर आई हुई है इसमें और इस तरह मैं अपनी सारी ये काट के रख ले रही हूँ। और इधर मैंने देखिए कुकिंग ऑयल डाला कढ़ाई में और इसको हम स्लो पे अपने मीडियम पे रख के थोड़ा गर्म करेंगे, फिर एकदम सिंपल करेंगे, बहुत धीरे धीरे ये सीखती है। तो मैं इस तरह से अपनी साड़ी बनाकर रख के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इतनी बना ली है मैंने और ये देखिए ये इतनी बन गई। अब इसमें क्या करेंगे गैस में ये एक एक करके इसमें डाल देंगे, जितना आए एक बार उतना ही डालिए और बहुत तेज हाई फ्लेम पर नहीं करना है और तुरंत इसको पलटना भी नहीं है। तो इस तरह से हम एक एक करके इसमें अपना
जो नाश्ता मैंने बनाया है ये डाल दूंगी। देखिए सारी डाल दी हैं और अभी इसको नहीं पलटेंगे, ये थोड़ा सा जब ये ऊपर अपने आप आ जाएगी तब इसको पलटेंगे। ये देखिए, ये देखिए हमारे सिक गए हैं, ये कितने अच्छे देखिए सिके हैं। देखिए पर ये बहुत ही, पहले गैस को बिल्कुल धीमे आंच पे सेकना चाहिए, पहले अपनी कढ़ाई को मीडियम पे गर्म कर लीजिए फिर इसको सिम पर कर दीजिए गले में। अब देखिए ये कितने बढ़िया देखिए सिके हैं, करारे एकदम। ये देखिए ले सारी टी टाइम स्नैक, देखिए और एक बार जितनी भी कढ़ाई में है उतने ही डालिए। ये देखिए कितनी अच्छी लेयर इसमें बनी है, बहुत करारी है। अब ये सारे निकाल लेती हूँ फिर अपना, ये देखिए भी निकाल लेती हूँ फिर अपना सेकंड लॉट डालती हूँ, फिर आपको इसको प्रेस करके भी दिखाऊंगी कि कितना खस्ता ये बना है। और आप इसको एक महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं और चाय के टाइम आप गेस्ट हैं उनको भी दे सकते हैं, खुद भी टी टाइम स्नैक्स ये आपके तैयार हो जाएंगे। देखिए ये हमने पूरे निकाल लिए हैं, ये देखिए हमारा ये टी टाइम स्नैक तैयार हो गया है। 1 मंथ तक आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा बना है और कितना करारा बना हुआ है, मैं आपको तोड़ कर भी दिखाऊंगा। देखिए कितनी लेयर है इसमें, ये देखिए, ये देखिए कितना करारा और खस्ता है ये, और 1 महीने तक आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो इसको ज़रूर बनाइएगा, इसको बना के स्टोर कर लीजिए, बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं और अपने आपके कोई गेस्ट हैं उनको भी दे सकते हैं। आप तुरंत आप निकालिए और चाय के साथ इसको सर्व करिए। मैंने भी इसको चटनी के साथ सर्व किया है, चाय के साथ भी आप सर्व करिए इसको। तो ये खस्ता खस्ता परतदार हमारा नाश्ता तैयार है, और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगली वीडियो का वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।